हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम नदीम। तो चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्लस तुर्की प्लस मलेशिया, यानी एक देश का कंपैरिजन तीन देशों से हो रहा है। अच्छा, देख ही पता चलेगा, वीडियो देखते हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है बाबा, देख ही पता लगेगा। तो अभी ये वीडियो देखते हैं, ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम भारत का कंपैरिजन करेंगे तीन देशों से, लेकिन यार वैसे तुर्की मलेशिया में। आज इस वीडियो में भारत का कंपैरिजन होगा पाकिस्तान मलेशिया और तुर्की के साथ। काफी बड़े वो भी देश हैं। बिजनेस, स्पेस साइंस जैसी कई चीजों में आज हम भारत का कंपैरिजन इन तीन देशों के साथ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तीनों देश मिलकर भी किसी फील्ड में भारत से टक्कर ले सकते हैं या नहीं। ये जानने को भी मिलेगा कि कौन से सेक्टर में आखिर कौन सा देश कहाँ खड़ा है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत इसी बात से करते हैं कि शायद आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने भारत से कंपेयर करने के लिए इन तीन देशों को ही क्यों चुना। तो असल में पाकिस्तान को छोड़ कुछ समय पहले तक तुर्की और मलेशिया के साथ भारत के रिश्ते कोई बुरे नहीं थे। ट्रेड, बिजनेस, लगभग हर चीज भारत और मलेशिया या तुर्की के बीच आसानी से और बेहतर तरीके से होती थी। पिछले कुछ समय में जैसे जैसे इन कंट्रीज के लीडर्स ने भारत के कई इंटरनल मैटर्स पर दखल देना शुरू किया, धीरे धीरे भारत के रिलेशन इनके साथ खराब होते चले गए। बदले में कहीं ना कहीं भारत ने भी अपनी रणनीति के तहत कुछ ऐसे काम किए जिन्होंने इन कंट्रीज को भी ये बता दिया कि भारत अपने इंटरनल मैटर्स पर किसी भी दूसरे देश की नहीं सुनेगा। फिर चाहे वो टर्की के खिलाफ जाकर आर्मेनिया में हथियार देने की बात हो या फिर मलेशिया से पाम ऑयल का पूरा इम्पोर्ट बंद करवाना हो, जिस कारण कहीं ना कहीं ये तीनों देश जियो पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल लेवल पर जैसे यूएन के मंच पे हर समय भारत को क्रिटिसाइज करते हैं। इसीलिए आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे ये जानने की कि ये तीनों देश मिलकर भी भारत के मुकाबले हर क्षेत्र में आखिर कहां खड़े हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीडीपी से। जी हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेन चीज के हिसाब से मलेशिया की जीडीपी इस वक्त लगभग 336.33 बिलियन डॉलर की थी। तुर्की की जीडीपी लगभग 649.44 बिलियन डॉलर। जी हाँ, तुर्की की जीडीपी काफी ज्यादा गिर गई है, जो 2019 में 754.412 बिलियन है। पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 284.2 पाकिस्तान पीछे। भारत की अकेले की जीडीपी 2020 में 2592.583 बिलियन डॉलर, भारत की जीडीपी भी पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा गिरी है, जो वैसे धीरे धीरे कम हो ही रही थी लेकिन कोरोना ने आकर लगभग पूरा सत्यानाश कर दिया। लेकिन फिर भी इन तीनों देशों की जीडीपी को मिलाकर लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स बनता है, जो कि भारत की जीडीपी का लगभग आधा है। तो चलिए जीडीपी के साथ एक और चीज है जो कि काफी ज्यादा मायने रखती है, वो है लोग। क्या आखिर सरकार को कितने लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है, या सीधी सी भाषा में बोले तो पॉपुलेशन। 2020 के हिसाब से पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग 22 करोड़ के आसपास है, मलेशिया की पॉपुलेशन लगभग 3.2 करोड़, और वहीं तुर्की की पॉपुलेशन लगभग 8.4 करोड़, जो सब मिलाकर 33.6 करोड़ के आसपास बनता है। वहीं भारत को जनसंख्या के मामले में तो हराना लगभग नामुमकिन है। 2020 के हिसाब से भारत की जनसंख्या लगभग 138 करोड़ को पार कर गई है, जो अब भी धीरे धीरे बढ़ ही रही है। धीरे धीरे अभी कंपेयर करते हैं एक्सपोर्ट का, एक देश की लोकल बिजनेस, उसकी लोकल इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सब पता चलता है उस देश के एक्सपोर्ट से। साल 2019 के हिसाब से पाकिस्तान का कुल एक्सपोर्ट लगभग 20 बिलियन डॉलर्स का था, तुर्की का 171 बिलियन डॉलर और मलेशिया का 238 बिलियन डॉलर, जो सब मिलाकर लगभग 429 बिलियन डॉलर। बहुत कम है, लगभग कुल एक्सपोर्ट 322 बिलियन डॉलर का रहा। यानी भारत ने वैसे अकेले तो तीनों देशों से ज्यादा एक्सपोर्ट किया, या
फिर किसी भी देश के साथ अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को मिला दें तब भी वो एक्सपोर्ट भारत से कम ही रहेगा क्योंकि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर तीनों देशों को मिला दिया जाए तो उनका टोटल एक्सपोर्ट भारत से लगभग $107 बिलियन से ज्यादा का रहा। चलिए अभी बात जिसमें हम शुरुआत करेंगे अभी कुछ समय पहले आए 2021 के मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग से, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग पूरी दुनिया में इस वक्त 10वें नंबर पर है। टर्की इस वक्त पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर और मलेशिया 44वें नंबर पर। वहीं भारत के पास इस वक्त दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स है। एक्टिव मिलिट्री पर्सन की बात करें तो 2019 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के द्वारा पब्लिश किए गए द मिलिट्री बैलेंस के अनुसार पाकिस्तान के पास इस वक्त लगभग 6,53,800 मिलिट्री पर्सन है, मलेशिया के पास 1,13,000, वहीं टर्की के पास 3,55,200 जो कि कुल मिलाकर 11,22,000 मिलिट्री पर्सन बनते हैं, जबकि भारत के अकेले के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सन की संख्या 14,55,500 से ज्यादा की संख्या के हिसाब से तीनों देशों के एक्टिव मिलिट्री पर्सन से भी 3,33,500 तक ज्यादा एक देश और जोड़ लो। अब अगर बात करें रेलवेज की तो भारत का टोटल ट्रैक लेंथ इस वक्त लगभग 1,23,542 किलोमीटर का है, पाकिस्तान का लगभग 12,000 किलोमीटर, टर्की का 8,772 किलोमीटर और मलेशिया का 1,833 किलोमीटर। यानी भारत का टोटल ट्रैक लेंथ इन देशों के कंबाइंड ट्रैक लेंथ से भी काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज भी मेंशन कर दूं कि टर्की के पास इस वक्त हाई स्पीड रेलवे ऑपरेशनल है, जबकि अभी भी अपने पहले हाई स्पीड रेलवे का इंतजार है। चलिए अभी वीडियो की आखिरी की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके स्पेस प्रोग्राम की। लेकिन उससे पहले एक जो चीज रेलवे है वो है फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व को वैसे पहले लोग कोई इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, अभी इसको चीज बड़ी अहमियत है। कई कंट्रीज की इकोनॉमी क्रैश होने की वजह से उनका फॉरेन रिजर्व भी उनके काम आया, जो चीज ये बताती है कि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पाकिस्तान की बात करें तो उनका फॉरेन रिजर्व इस वक्त लगभग $13 बिलियन का है, टर्की का लगभग $82 बिलियन और मलेशिया का लगभग $105 बिलियन जो की सब मिलाकर $200 बिलियन। वही भारत का अकेले का टोटल फॉरेन रिजर्व इस वक्त लगभग $530 बिलियन हो गया, बहुत ऊपर है, जो कि तीनों देशों के टोटल फॉरेन रिजर्व जो होते हैं वो बड़े काम के होते हैं, ज्यादा बनता है। बिल्कुल, इन कंट्रीज फॉरेन रिजर्व को इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखा जाए तब भी वो सबसे कम बनता है पाकिस्तान के पास, लगभग ना के बराबर फॉरेन रिजर्व बचा है। और अब अगर आखिर में बात की जाए इनके स्पेस प्रोग्राम्स की तो शायद आपको पता हो या नहीं, लेकिन भारत के अलावा इन तीनों देशों के पास भी अपनी स्पेस एजेंसी मौजूद है। लेकिन अगर बात की जाए इनके स्पेस प्रोग्रेस प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स की तो ये तीनों देश मिलकर भी भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते। चारों देशों में वो देश है जो चांद और मंगल तक पहुंचा है। इन तीनों भारत अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। तक जितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, अगर उन सब को भी मिला दिया जाए तब भी वो संख्या तक नहीं पहुंचेंगे जितनी सैटेलाइट भारत के इस वक्त अभी पृथ्वी के बाहर एक्टिव है, यानी काम कर रही है। भारत की टोटल लॉन्च की गई सैटेलाइट्स की संख्या तो उनके मुकाबले फिर कहीं ज्यादा है। वैसे हो सकता है आपको जानकर हैरानी हो, लेकिन इन चारों में से पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सबसे पहले बनी थी, जो दुर्भाग्यवश आज सबसे पीछे है। इन चारों देशों में से सिर्फ भारत लॉन्च व्हीकल स्पेस एजेंसी की बात की जाए तो ये चीज आंखें बंद करके कही जा सकती है कि इन तीनों देशों के मुकाबले इसरो बहुत ही आसानी से जीत सकता है। तो ये था कुछ पैमानों पे कंपैरिजन भारत का इन तीनों देशों के साथ। वैसे ऐसा नहीं है कि भारत हर चीज में इन तीनों देशों से आगे ही है। जीडीपी पर कैपिटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसी कुछ चीजें हैं जहां पर असल में भारत आज भी टर्की और मलेशिया जैसे देशों से पीछे है, जिन चीजों को भी हमें आने वाले समय में सुधारना चाहिए ताकि इन चीजों में भी हम दूसरे देशों के बराबर आकर खड़े हो सके। तो बस अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इधर ये वीडियो खत्म। तो यार जो मेन चीजें थी जिनमें कंपैरिजन बनता था, कंपेयर किया वो, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया तो इंडिया के आसपास नहीं भटक रहे, हालांकि हम तीन कंट्रीज हैं, ये नहीं कि एक है। बिल्कुल पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, हाँ ना, आर्मी के मामले में नहीं आ रहे, जीडीपी के मामले में हम लोग नहीं आ रहे,
और बकाया रेलवे के नेटवर्क में नहीं आ रहे। मतलब एक सिर्फ तुर्की के पास हाई स्पीड है लेकिन इंडिया के पास भी 200 किलोमीटर वाली स्पीड वाली कम है क्या? बिल्कुल सही बात है। कोई ऐसी चीजें हैं ना जो उनके पास है अभी इंडिया के पास नहीं है, कुछ है वो भी जल्दी हो जाएगा, प्रूव कर लेगा इंडिया। हाँ अभी ये बन रही है बुलेट ट्रेन इंडिया में, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और बकाया आर्मी में भी इंडिया आ गया था, और बकाया जो एक्सपोर्ट थी उसमें, मतलब के अगर एक ही देश के साथ कंपेयर किया जाए तब इंडिया आगे था, फिर उनके साथ में मिलाई जाए ना तो फिर इंडिया वहाँ पे एक्सपोर्ट्स में थोड़ा पीछे रह रहा था। मलेशिया थोड़ा सा आगे है ना, तुर्की से भी आगे, पाकिस्तान से भी आगे। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स ही मेरे ख्याल से कोई 20 बिलियन डॉलर के, 13 बहुत कम है, है ही नहीं ना होने के बराबर है, 20 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के पास कुछ होगा तो एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट तब बढ़ती है ना कुछ होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ होगा तो एक्सपोर्ट करेगा, इंडस्ट्री फिर कुछ चीजें बनाएंगी तो बाहर भेजेगी, बिल्कुल कोई पसंद करेगा तो चीजें आगे जाएंगी ना बिल्कुल। और फॉरेक्स रिजर्व जो है, फॉरन रिजर्व ऐसा मतलब होता है ना बजाज, जिसके पास अगर एक ये मुल्क बैठ जाए इसमें कोई ऐसे वसाइल ना हो, फिर फॉरन रिजर्व जो होते हैं बड़े काम आते हैं। और इंडिया को कोविड के सिचुएशन में वही सबसे ज्यादा, बिल्कुल उनके पास खरबों डॉलर पड़े हैं, 600 बिलियन डॉलर के पास पहुंच चुके हैं लगाया ना, और अभी हमारा 13 बिलियन डॉलर जो ना होने के बाद, ना होने के 20 करोड़ आवाम लेके बैठ रहे, अरे तुम लोग 100 बिलियन डॉलर तो रखो ना। बिल्कुल तो तुर्की देख लो, मलेशिया देख लो, उनके फिर अच्छे थे, अच्छे थे पाकिस्तान से, अगर उनके मिला के भी सारे इकट्ठे गए तब भी इंडिया आ गया, इंडिया आ गया अंदाजा लगा यार। मतलब कि ऐसा टाइम आ गया इंडिया के साथ 3-3 कंट्रीज कम्पीट कर रहे हैं, वो उनसे भी इंडिया आ गया। आपको एक बात याद होगी, हमारे पास इमरान खान आए थे, हमारे वो बोलते थे खजाने में कुछ नहीं है, बाहर मुल्कों ने दिए थे वो कुछ डॉलर, 2 अरब डॉलर, एक चाइना ने दिए, कुछ अरब ने दिए, कोई और यूएई ने दिए, तब थोड़ी सी जाके हमारी ग्रोथ जो बढ़ी है, अभी तो ग्रोथ डाउन हुई है पापा, बड़ी छड़ी तो कोई नहीं है और ये ऑर्डर दे रही है ना, फिर अब और डाउन जा रही है माशाल्लाह से। तो यार आप लोग बताएं इसके बारे में, आप लोगों के थॉट्स हैं, तेरी वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।